हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय। साहब जी, हमारा नाम भी तो बताओ। हाँ हाँ, और हमारे साथ है हमारे चौकीदार थापा। हाँ साहब जी, जिस तरह स्कूल के पहला यार जैसा तो पहला प्यार नहीं होता, उसी तरह हर थापा चौकीदार नहीं होता साहब जी। साहब जी, तुम हमारे साथ भेदभाव कर रहे हो। सॉरी थापा जी, सॉरी। चलो अब वीडियो शुरू करें। तो दोस्तों, अभी तक इंडिया ने खेले 2 मैचों में पहला मैच हारकर और दूसरा मैच इंग्लैंड को हराकर सीरीज में बराबरी कर ली है, और आज अहमदाबाद में तीसरा मैच खेला जाएगा। पहले मैच में कोहली ने कहा था कि रोहित को पहले 2 मैचों के लिए आराम दिया जाएगा, और आज आराम पूरा हो चुका है। इतना आराम तो लॉकडाउन में हमने भी नहीं किया जितना रोहित कर रहे हैं। साहब जी, अगर रोहित खेलेंगे तो बाहर कौन जाएंगे? किशन ने तो पहले ही मैच में बांसुरी बजा दी, तो इसका मतलब क्या राहुल बाहर जाएंगे? क्या थापा जी, वो तो कोहली और शास्त्री जी को ही पता होगा कि अंदर कौन जाएगा और बाहर कौन आएगा। टीम के अंदर कोई भी आए या फिर कोई जाए, लेकिन ग्राउंड के अंदर कोई भी दर्शक नहीं जा सकते। जहां पहले 2 मैचों के लिए दर्शक अलाउड कर दी गई थी, लेकिन लास्ट के 3 मैचों के लिए बीसीसीआई ने दर्शकों को आना मना कर दिया है कोविड-19 गाइडलाइन की वजह से। साहब जी, इसका मतलब जिन्होंने टिकट लिया उनके तो एल लग गए। थापा जी, जिन्होंने लास्ट 3 मैच हुए टिकट अभी से ले लिए, उनको डरने की कोई बात नहीं है। बीसीसीआई ने कहा है कि उनके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। ये कोई लक्ष्मी चीट फंड नहीं है, बीसीसीआई ये पैसे वापस मिल जाएंगे, आप डरो मत। अब वीडियो खत्म करने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले हम अपने जसप्रीत बुमराह को हार्दिक बधाई देना चाहते हैं उनकी शादी के लिए, उनके वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाए। तो दोस्तों, ये पहली वीडियो हमारे इस चैनल में। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हम ऐसी वीडियो डालते रहेंगे। बाय, जय हिंद।